वेलकम फ्रेंड्स, फाइनली दोस्तों वन प्लस नॉट टू 5G स्मार्टफोन, इसकी काफ़ी समय से लीक्स एंड रूमर्स निकल के आ रहे थे, अब इसकी लॉन्चिंग डेट कंफर्म हो चुकी है। अमेजन और वन प्लस की ऑफिशियल साइट पर इसका लैंडिंग पेज आ चुका है। और ये फ़ोन क्या वन प्लस की तरफ से वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं, और क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए? अगर आप एक 35 से 30 हज़ार के बीच में कोई फ़ोन ले रहे हैं तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊँगा। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। तो लेट्स स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करें इसकी डिस्प्ले की, क्योंकि इस हर एक स्मार्टफोन्स के अंदर डिस्प्ले काफ़ी मेन पार्ट होता है। सबसे पहले हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.43 इंचेस की एक AMOLED पंच होल डिस्प्ले जो कि 19 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम इसकी रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज, और 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज, और इसमें आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलेगी, और LPDDR4X की रैम जो कि काफ़ी अच्छी रैम और स्टोरेज यहां पर मानी जाती है। अब हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो वन प्लस के जो पुराने वाले स्मार्टफोन्स थे थोड़े से ही सिमिलर सा इसका डिज़ाइन है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा है। ये ग्लास पैक के साथ में देखने को मिलेगा, और सामने की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी, जो कि इसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर देती है। साथ ही दोस्तों इसके कैमरा की बात करें तो सामने की तरफ आपको पंच होल टाइप में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और पीछे की तरफ आपको एक 15 मेगापिक्सल का बड़ा इमेज सेंसर दिया गया है। वन प्लस के फ़ोन्स में सेंसर तो काफ़ी बड़े रहते हैं, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग इतनी अच्छी नहीं रहती है, जो कि अदर्स स्मार्टफोन्स की इस प्राइस सेगमेंट में रहती है। अब इसका जो सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट्स के लिए। अब हम बात करें इसकी बैटरी की तो 4500 mAh की बैटरी टाइप सी पोर्ट के साथ और 65 या फिर 13 वॉट की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी, अभी ये कन्फर्म नहीं है। साथ ही हम बात करें मल्टीमीडिया की तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलेंगे, जो कि ऑडियो क्वालिटी को थोड़ा और इन्हेंस कर देंगे, और इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलेगा, और ये डुअल 5G को भी सपोर्ट करता है। और इस फ़ोन में आपको एक ही बैंड देखने को मिलेगा, जो कि एक मुझे माइनर चेंजेस लगा, वन प्लस 9 में भी आपको एक ही बैंड देखने को मिला था, तो वन प्लस वाले इस चीज़ को थोड़ा कमी कर रहे हैं इस प्राइस सेगमेंट पर। हमको अदर्स कंपनी के स्मार्टफोन्स में काफ़ी सारे बैंड्स 5G के देखने को मिल जाते हैं। साथ ही हम बात करें इसकी जो हाइलाइटेड चीज है इसका प्रोसेसर, इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। ये डुअल 5G को सपोर्ट करता है और 6nm की टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। सेम यही प्रोसेसर आपको रियलमी X7 मैक्स में देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन OS पर रन करता है। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड करता है इस प्रोसेसर के साथ में वन प्लस अपने फ़ोन्स को। अब हम बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी जो प्राइस है करीब 30,000 या फिर 30,000 जो इसका बेस वेरिएंट है, और इसका जो ऊपर वाला वेरिएंट है 12GB की रैम 256GB की स्टोरेज, वो आपको करीब 32,000 या फिर 33,000 में देखने को मिलेगा। तो क्या ये फ़ोन इस प्राइस सेगमेंट पर एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन साबित हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेम इसी प्राइस पर आपको वीवो का X60 भी मिल जाता है, जिसकी कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब इसमें आपको एक ही 5G बैंड देखने को मिलेगा। ओप्पो रेनो सीरीज की बात करें तो वहाँ पर आपको मल्टीपल बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिला था, तो एक माइनस चीज़ है वन प्लस की तरफ से। तो दोस्तों यही थी कहानी इसी वन प्लस नॉट टू 5G स्मार्टफोन्स के बारे में। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। तो जय हिंद, जय भारत।